अंडा करी, इधर अंडा और आलू बॉईल हो रहा है, और इधर पे मैंने प्याज, दो बड़ा बड़ा प्याज काट लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर, इसको मैं मिक्स कर दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च आधी कटी हुई टमाटर आधी प्याज। अभी इन सारे को मैं जो है उसको मिक्स कर लिया है। इधर पर मेरा अंडा भी बॉईल हो चुका है, आलू भी बॉईल हो चुका है, मैं आगे का प्रोसेस दिखा। डाल दिया मैंने सरसों का तेल, ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें डाल दूंगी थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर। कढ़ाई पे अगर आप हल्दी पाउडर नमक दे दोगे तो डीम का जो चटकना होता है वो नहीं चटकेगा। अभी अंडे का अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अभी इसी ऑयल में आलू को अच्छे से फ्राई कर दूंगी। आलू पूरा फ्राई हो चुका है, आलू को उठा लूंगी। इसी ऑयल पे मैंने प्याज को डाल दिया है, अभी अच्छे से प्याज को भून लूंगी। अभी इसमें थोड़ा टमाटर जो है डाल दूंगी। प्याज में डाल दूंगी थोड़ी नमक प्याज को गलने के लिए। अभी देखिए प्याज और टमाटर थोड़ा बॉयल हो चुका है, अभी इसमें बाकी के सारे मसाला डाल दूंगी। इसमें बाकी के सारे जो मसाले वो डाल दिए, इसमें है लहसुन, अदरक, थोड़ा बहुत प्याज, थोड़ा बहुत टमाटर और हरी मिर्च, और थोड़ा धनिया पाउडर भी मैंने बाद में ऐड किया था। अभी इस सारे चीज़ों को मिला लूँगी, इस पर डाल दूँगी थोड़ी हल्दी पाउडर। मैं डाल दूंगी छिपा हुआ मिर्ची का पाउडर, उसके बाद इसमें ऐड करूंगी जीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिला लूंगी ऑयल छोड़ने तक। डाल दीजिए दही, कर दिया है इसमें दही। अभी दही मिलाने के बाद अच्छे से मिलाते रहिए, नहीं तो इसका लम बन जाएगा। तो इसको अच्छे तरह से मिला लीजिए, मसाला को अच्छे से भूनते रहिए जब तक दही पूरा घुल ना जाए, मिल ना जाए। देखिए मसाला छोड़ने लगा है, तो अभी ऑलमोस्ट मसाला बन चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा पानी, इसमें भी दे रही हो पानी। अभी देखिए मसाला हो चुका है, अभी इसमें ऐड कर दूंगी आलू और अंडा।
अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें ऐड करूंगी थोड़ा पानी और गरम मसाला। अब प्लस पानी ऐड कर दूंगी। अभी ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। रेडी टू ईट दही अंडा कढ़ी। आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताना।